इन्होंने जनाब जनाब आठवां कायदे मुस्लिम को जेल में रखा, क़यादत को जेल में रखा, हर ज़ुल्म ने हमारे कारकुनान पे आजमाया, हर ज़ुल्म आजमाया, हमारे कारकुनान हर ज़ुल्म सहते रहे। और अब कई जो है वो कह रहे होते हैं सादे सादे लोगों के पास आके, ऐ जी तुसी अगर मौलवियां नाल खड़ गए तो थाने कौन लेके तेरे नाल, कचहरी दे काम कौन करे सी, ये मौली है, ये तो वैंदे नहीं थाने थाने, वह तुहाडा कौन वारस सी। अच्छा मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि आठ माह तक हमारी क्या जेलों में रही, बोलिए बोलिए, जो जेलों में थे उनकी जमानतें हुई कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, उनके पीछे खर्चा पहुंचता रहा, हत्ता कि उनमें से जहां से जहां तक हो सका जो जेलों में थे उनके घरों में भी हमने खर्चा पहुंचाने की कोशिश की, जो जरूरत थे। इसके लिए हमने नून लीग का कोई तरला किया, कोई पीपी का, कोई पीटीआई का, किसी का कोई तरला, अपने बंदों को छुड़वाया, और फिर जो ये कहते थे नहीं हो सकता, फिर हुई के नहीं हुई, हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब ये है कि तहरीक लबैक वाले थाना हो कचहरी हो कोई भी मैदान हो कोई भी मस्जिद हो अपने कारकुनान पे पहरा दे सकती है, और कोई चौधरी सरदार खान बडेरा मलिक हर कोई कान खोल के सुन ले, कोई हमारे कारकुनान को परेशान करने की कोशिश न करे। हाँ हाँ मैं बाद में बता रहा हूँ, कोई किसी का भी चमचा हो वो कान खोल के सुन ले। हाँ कारकुनान से मैं एक ही बात जरूर कहूंगा कि आपकी तरफ से किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुल के काम करें, किसी की जरूरत के नहीं आती है हाथ उठाए, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा असि इंशाल्लाह उसे पूरा पुट करा पुट करा। आपके ये पीपी अमीर मौजूद है, सिली अमीर मौजूद है, डिविजनल अमीर मौजूद है, खादिम मौजूद है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो हम इज्जत रसूल के लिए हर लम्हा और हर घड़ी आदर ही आदर है, अपने कार्यों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आप किसी भी कोने में मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह हरीक का काम करें, आपको किसी से न डरने की जरूरत है, न छकने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है, बिल्कुल भी अपने दिमाग से खौफ निकाल दें कि वो सरदार है, वो चौधरी है, वो बड़ा है, वो खान है, वो ये कोई कुछ नहीं कर सकता, वही होगा जो मेरे रब को मंजूर होगा।